आज ये घमासान होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और मैच के चंद मिनट पहले ही, और आप जब तक वीडियो देख रहे हो तब तक मैच स्टार्ट हो भी चुका होगा। तो लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे मैच का रिव्यू, जहां पर आपको बताएंगे कि मैच कैसे रहेगा, किस प्रकार से बारिश मैच में बाधा डाल सकती है और कौन कौन प्लेयर इस मैच के अंतर्गत खेलने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं कुछ चंद मिनटों में ही पूरे मैच की कहानी। तो आपको बता दें इंडिया की अगर बात की जाए स्क्वाड की, तो इंडिया के प्लेयर आ चुके हैं, दो नए प्लेयर को मौका दिया गया है, जहाँ पर शिखर धवन की जगह केएल राहुल आए हैं। वहीं अगर बात की जाए फोर्थ नंबर बैट्समैन की, जहाँ पर संशय बना हुआ था डीके के लिए, लेकिन दिनेश कार्तिक को मैच में नहीं खेला जा रहा है। विजय शंकर एक ऑलराउंडर के रूप में खेलने वाले हैं, ज़्यादा अनुभव नहीं है उनके पास वर्ल्ड का या फिर किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का, लेकिन उन्हें मौका दिया गया है और देखते हैं आज कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं। और अगर बात की जाए वेदर फॉरकास्ट की, तो बारिश का आज काफ़ी मैनचेस्टर में रहने की बात बताई जा रही है। और अभी बात की जाए मैनचेस्टर में हमारे इंडिया के मुकाबले जो टाइम हुआ है वो 10 बजे के लगभग होने वाला है, और हमारे यहाँ पर करीबन 3 बज रहे हैं भारत की अगर बात की जाए तो। और अभी अभी जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, पाकिस्तान ने टॉस जीत ली है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, यानी कि विराट के धुरंधर पहले बल्लेबाजी करेंगे, और देखते हैं क्या इस बार अभी 350 के पार पहुंच पाते हैं या नहीं पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने। पाकिस्तान की बॉलिंग काफ़ी अच्छी मानी जाती है वैसे तो। अब हम बात कर लेते हैं मैच के अंतर्गत मौसम की, तो आपको बता दें मौसम किस प्रकार से रहने वाला है। तो ICC विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच शुरू होने में बहुत कम समय बचा है, और आप जब तक वीडियो देख रहे हो तब तक हो भी चुका होगा। मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाना है। मैच पर बारिश का संकट बना हुआ है, और टॉस से कुछ घंटों पर जो टॉस से ये पहले थोड़ी पहले की ये मौसम रिपोर्ट आ चुकी है। तो पिछले कुछ दिनों से इंग्लैंड के मौसम का मिजाज काफ़ी बिगड़ा हुआ है, पहले ही 4 मैच बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। और आपको बता दें वेदर प्रेडिक्शन में जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है, हमारे यहाँ की 4 बजे यानी कि लगभग वहाँ की 11 बजे बारिश आ सकती है। बारिश ज़्यादा तेज ना आने की बात की जा रही है, धीरे बारिश आने की बात की जा रही है। उसके बाद हमारे यहाँ की जो बारिश बात की जाए 6 बजे की, और लगभग वहाँ पर 1 बज जाते हैं, तो 1 बजे वहाँ पर फिर से बारिश आने की बात की जा रही है। और उसके बाद वहाँ की 3 बजे यानी कि हमारे यहाँ की 8 बजे बारिश आने की बात की जा रही है। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो मैच होगा वो करीबन 10:30-11 बजे ख़त्म होगा, और तब तक वहाँ पर 3 से 4 बार बारिश आने की बात की जा रही है। और हो सकता है ये मैच पूरे 50 ओवर का ना खेला जाए, मैच करीबन 35-40 ओवरों का हो सकता है। और अगर बारिश ने अपना रुख बदल दिया और ज़्यादा आ भी गई तो मैच रद्द भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी अगर रेन की बात की जाए टोटल मौसम की, अगर बारिश की बात की जाए तो अभी तक बारिश पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर चल रही है। जी हाँ, अगर बात की जाए तो 4 मैच अभी तक रद्द हो चुके हैं, बारिश दोबारा किया कराए जा चुके हैं। तो ये जानते हैं कि आज कैसा होगा मौसम रहेगा। हमने आपको बता दिया है कि 3 या 4 बार मैच के बीच में बारिश आ सकती है, और बारिश काफ़ी लंबी देर तक चली तो मैच रद्द भी कराया जा सकता है। और फैंस न चाह रहे होंगे कि यह मैच रद्द हो, और ICC भी नहीं चाह रहा होगा, क्योंकि ICC को अगर ये मैच रद्द होता है तो फिर रिफंड करना पड़ेगा, इसीलिए मैच रद्द नहीं होना चाहेगा सभी लोग। देखते हैं अब मैच में क्या रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप पाए पाकिस्तान वर्सेज इंडिया की मैच की फुल अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद।